सीएम नु मिली गोली मारन दी धमकी, लिख के पुलिस नु दित्ती चेतावनी। जिवें महात्मा गांधी नु गोडसे ने मारी सी गोली, उसी तरीके नाल मारन दी कही गल। दस दिए कि सीएम नु मारन दी धमकी दित्ती गई है, ता जिवें ही पुलिस दे कोले जानकारी पहुंचती है ता उन्हां दे वल्लों तुरंत इस ते कार्रवाई की गई ते इस धमकाउण वाले शख्स नु पुलिस दे वल्लों काबू कर लिया जांदा है। दस दिए कि इस दे वल्लों लिखा गया ते चेतावनी दित्ती गई कि जिवें महात्मा गांधी नु गोडसे ने गोली मारी सी, उसी तरीके दे नाल मैं भी मारांगा। तुहानू दस दिए कि धमकी हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सैनी नु दित्ती गई है, जिस दे विच उसने लिखिया कि तीसरी बार जे भाजपा की सरकार बनती है तो उन्हां दा जो भी सीएम होवेगा उसते गोली मारांगा। तो इस संबंधी कहा जा रहा है कि धमकाउण वाला सोमबीर राठी दे ग्रुप दा है, जो कि रैसलर विनेश फोगाट दे पति ने। तो पुलिस दे वल्लों हुण पूरे मामले की जांच की जा रही है ते इसके पिछे की रंजिश है, तो इस संबंधी भी उन्होंने वालों जानन की कोशिश की जा रही है। तो दस दिए कि इसके वालों सीएम नायब सैनी नूं इह धमकी दित्ती गई सी, जिस तों बाद पुलिस दे वल्लों कार्रवाई की गई ते इस धमकाउण वाले शख्स नूं हुण काबू कर लिया गया। हरियाणा में जी एक मुख्यमंत्री को जी जान से मारने की धमकी की वायरल आई बात, जो मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, सर इसमें क्या कार्रवाई? सर ये 8 तारीख को जो मतगणना का दिन था जी, उस दिन एक व्यक्ति है जिसका नाम अजमेर है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सोमवीर राठी, उस पर लिखा हुआ था कि सोमवीर राठी हल्का जुलाना ग्रुप लिखा हुआ था जी, उस ग्रुप में कोई टिप्पणी की थी जो कि काफ़ी संगीन मामला था, जिसमें जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया उसमें पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो व्यक्ति है देवरण गांव का अजमेर नाम से व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं उनको फाइल पे लिया जा चुका है। सर सोमवीर राठी से कोई संबंध था सर उसका जी? मैं अभी उस चीज़ के बहुत ज़्यादा कहने में सक्षम नहीं रहूँगा, फिलहाल तो ये है कि उसने उस ग्रुप में कमेंट किया था और कमेंट करने के बाद जो ये सारा मामला जब पुलिस के नॉलेज में आया तो वी हैव टेकन नोट ऑफ दैट और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। सर विनेश फोगाट भी थी सर इस ग्रुप में? नहीं, वो उसमें नहीं थी।